Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Saida Kurath from Bidar, Karnataka, find the surface area of the solid generated by the revolving the cycloid. X is equal to A, theta plus sine theta, y is equal to A, 1 minus cos theta about the x-axis. यहाँ पर cycloid का equation दे रखा है parametric form में. इसको x-axis के about, यानी इसके tangent के about, tangent at vertex के about, इसको जब revolve करते हैं, ऐसा भी question पूछा जा सकता है कि जब about tangent at the vertex, यानी vertex पर जो tangent है, उसके about, जो x-axis ही होता है, तो वो जो solid, जो surface create होगा, generate होगा, उसका हमें surface area find करना है. तो इसके लिए सबसे पहले चूँकि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा. तो सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हम पैरामेट्रिक फार्मूला लगाएंगे और पैरामेट्रिक फार्मूला जब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ज़रूरत होगी हमें जो भी पैरामीटर है यानी यहाँ पर पैरामीटर वैसे तो टी भी हो सकता है या कुछ भी दिया जा सकता है. यहाँ पर थीटा दे रखा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी एक्स की और वाई की दोनों की. तो पहले एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टेंट वाले ले लिए थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन हो गया प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है. इस तरीके से वाई का भी डिफ्रेंशिएशन हम थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे फाइंड कर लेंगे. ए इंटू में एक कॉन्स्टेंट वाले ले लिया और वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा. कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा हो जाएगा. इसलिए हम कह सकते हैं dy/dx थीटा की वैल्यू हमको मिल गई है ए साइन थीटा जिसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का फार्मूले में यूज़ करेंगे. अब हम आ जाते हैं इस कर्व को जैसे कि ये कर्व दे रखा है साइक्लॉइड को ट्रेस करना है. वैसे हमारे पिछले वीडियो में इसको साइक्लॉइड को ट्रेस करने का मेथड हम बता चुके हैं. ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत नहीं है बस हमें थोड़ा रफ यहाँ पर कर लेते हैं बाकी फिर रखेंगे. तो साइक्लॉइड हम जानते हैं तीन तरीके से यहाँ पर मिल सकता है आपको. या तो साइक्लॉइड इस तरीके का होगा या फिर ये साइक्लॉइड ऐसा होगा. वैसे तो ये एक ब्रांच होती है और फिर उसके बाद और भी ब्रांचेस होते हैं उससे मतलब नहीं एक ब्रांच से ही मतलब होता है. या फिर तीसरा तरीका साइक्लॉइड हमारा ये हो सकता है. तो देखते हैं कि कौन सा होगा. तो सबसे पहले हम एक पॉइंट से ही इसको क्लियर कर लेते हैं. ये कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि थीटा और एक्स और वाई और एक पॉइंट dy/dx ये आपके लिए है और लिमिट्स क्योंकि यहाँ पर ट्रेस करना मेन मकसद नहीं है. मेन आपसे जो सरफेस एरिया जो जनरेट हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए बोला गया है तो अपने लिए जो है उसको बनाना है. तो जो हमने यहाँ से लाइन की उसको आप ना बनाएं बस थीटा इज इक्वल टू जब ज़ीरो रेडियन रखेंगे तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी. ज़ीरो रखने पर देख रहे हैं कि ये थीटा ज़ीरो ये साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है तो एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर आ गई. इस और थीटा बराबर जब यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है. वन माइनस वन वन में से माइनस वन करेंगे ज़ीरो आ जाएगा तो वाई की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी. इस तरीके से जो पॉइंट होगा तो पॉइंट पता चल गया कि जो जहाँ पर थीटा ज़ीरो होगा वो ओरिजिन होगा ज़ीरो का मतलब ज़ीरो होगा यहाँ पर थीटा. तो यानी ये कर्व जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है ये साइक्लॉइड और ये कर्व देख रहे हैं कि ओरिजिन जो यहाँ पर है कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो ये तो हो नहीं सकता तो इसको हटा देंगे. या हमारा कर्व इस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है इन दोनों में से कोई एक होगा तो उसके लिए एक वैल्यू निकालना पड़ेगी dy/dx की. वो अच्छा रहा हमारा कि हमने dy/dx की फाइंड करना है लेकिन हमें मालूम है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो ये ऐसे निकलता है dy/dθ और dx/dθ और इसको हमने पहले से निकाल के रखा है. ये चीज़ ठीक रही हमारे लिए जो हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं dy/dθ की वैल्यू a साइन थीटा की इक्वल थी तो यहाँ पर हम a साइन थीटा की वैल्यू लिख दे रहे हैं और y की dx/dθ की वैल्यू a वन प्लस का cos थीटा था वो लिख दे a से a कैंसिल हो जाएगा. साइन और cos दोनों की हाफ एंगल में वैल्यू पुट कर दें. साइन की हाफ एंगल में साइन की वैल्यू होती 2 साइन
थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और कॉस की वैल्यू ऐसे हाफ एंगल में रखेंगे, वन से वन कैंसिल हो जाए, यानी टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, ये वाली वैल्यू रखेंगे, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास बच रहा है वो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू न्यूमरेटर में ऐसे ही, और डिनोमिनेटर में टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू और कॉस की एक पावर जो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर साइन नीचे कॉस की एक पावर, तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई टू होता है। तो हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जीरो पर चेक कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, और ये डी बाई ओ डी एक्स पता होना चाहिए हमें क्या होता है, ये टेंजेंट की स्लोप होती है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इन जीरो ये ओरिजिन है, तो जीरो कामा जीरो ये पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट ये है, और जो एक्स एक्सिस से बना रही है 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस से ये वाला जो कर्व है उसकी इस ओरिजिन यानी ओरिजिन जीरो कामा जीरो पर टेंजेंट यही एक्स एक्सिस ही है, जो अपने ही एक्स एक्सिस के साथ में एक्स एक्सिस का एंगल जीरो डिग्री होगा, और यहाँ पर देख रहे हैं एक्स एक्सिस का इस टेंजेंट के साथ एंगल 90 डिग्री है। तो देख रहे हैं हमारा कौन सा आएगा पता लगाने के लिए एंगल कितना होगा, तो इस थीटा की वैल्यू जब थीटा बराबर जीरो है तब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा बराबर जब जीरो थीटा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो टेन जीरो पान जीरो यानी ये टेन जीरो हो जाएगा जीरो के बराबर, और इससे अगर हम एंगल फाइंड करेंगे तो क्लियर से एंगल है जीरो के बराबर आ रहा है, स्लोप जो है वो स्लोप तो ज़ीरो आ रही है, और इस तरीके से, और जिसका टेन ज़ीरो होता है वही ज़ीरो होता है, इसलिए एंगल भी ज़ीरो है, यानी टेंजेंट का जो एंगल बनता है वो टेन से डिनोट किया जाता है, टेन थीटा से, टेन जो भी एंगल हो उससे, टेन फाई से, तो यहाँ पर वो ज़ीरो आ रहा है, तो ये ज़ीरो देख रहे हैं इसके लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो यहाँ पर जो टेंजेंट है यानी जो इसको टच करने वाली लाइन है इस कर्व की वो तो 90 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस से, ये वाली इस वाले कर्व की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से यानी इस पर जो टेंजेंट टच करने वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस से बना रही है, यानी वो एक्स एक्सिस ही है, उससे एंगल जीरो, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल ज़ीरो डिग्री होगा, तो यानी कर्व हमारा ये वाला होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला कर्व होगा, तो ये कर्व होगा, तो ये हमारा रफ, हमने कम्प्लीटली इसको कम्प्लीट रफली रफ चीज़ को हमने कंप्लीट किया है, तो इस चीज़ को हम जब जब कंप्लीट कर लिया हमने, तो फिर इस ग्राफ को अच्छी तरीके से कंप्लीटली बना देते हैं, क्योंकि ये पैरा साइक्लॉइड है, और साइक्लॉइड जो है अगले पेज पे बना रहे हैं, साइक्लॉइड है ये, हमने वाई एक्सिस बना ली है, और इसको जो है वो एक्स एक्सिस एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस बना दी, ऐसा अभी हमने बताया था कि ये साइक्लॉइड हमारा इस तरीके से बनेगा, और इसका ये कहलाता है बेस कहलाता है, यहाँ पर बेस होगा, और ये एक ब्रांच होगी, दूसरी ब्रांच और होगी, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू हमने ज़ीरो रखा था तब मिला था पॉइंट, ओरिजिन जीरो कामा ज़ीरो मिला था, इस तरीके से थीटा की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर पाई रखेंगे तब वैल्यू जो होगी, तो थीटा की वैल्यू जब पाई पुट करेंगे तो हम यहाँ पर जो पॉइंट एक निकाला था, तो हम दूसरा पॉइंट भी थीटा इज इक्वल टू पाई रखने पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कि पाई पाई रखने पर यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, तो ए पाई आ जाएगा, एक्स की वैल्यू तो ए पाई हो जाएगी, और पाई की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे, जो कि माइनस कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू टू ए हो जाएगी, तो इस तरीके से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो लिख दें, ए पाई था और टू ए था, यानी ये डिस्टेंस जो होगी वो ये डिस्टेंस यानी ये वाली जो ऊंचाई होगी वो 2a के बराबर हो जाएगी, और ये डिस्टेंस जो होगी वो a पाई के बराबर, हालांकि हमारे सवाल लगाने में इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें बस लिमिट चाहिए थी, वो आ चुकी है यहाँ पर, जिस तरीके से थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए होगा ऐसे ही इस दूसरी साइड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई के लिए ये हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट भी हम लोग लिख सकते हैं, हमें बस देखना है कि इतने पोर्शन को जब हम एक्स एक्सिस के यानी जो और ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पर ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, ये बेस कहलाता है, तो वर्टेक्स पर ये टेंजेंट है, टेंजेंट के अबाउट जो रिवॉल्व कराएंगे यानी एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे, तो जो हमारा पास सॉलिड या जो भी सरफेस जनरेट होगा वो इस तरीके से होगा, हालांकि इतना फिगर छोड़ा जा सकता है, अगर हम दिखा रहे हैं जो जिस तरीके का फिगर आपका बनेगा, सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा वो हम दिखा रहे हैं, एक रील की शेप में होगा ये, इस तरीके का सरफेस होगा, तो इस सरफेस एरिया को हमको फाइंड करना है, तो
तो इतने पोर्शन को रिवॉल्व करा के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना राइट हैंड साइड सिमेट्रिकल है बाई एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई है, तो ये लिमिट हो जाएगी थीटा की वैल्यू 0 से पाई। अब यहाँ पर सरफेस एरिया के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, तो इतना हमारा ये तो फेयर में हो गया, और ये रफ था, यहाँ पर लाइन नीचे हमने शुरू की थी और यहाँ पर ये कंप्लीट ख़त्म कर दी है। उसके बाद अब फिगर को फेयर में ले सकते हैं, चाहे उतना ही बना दें या इतना कंप्लीट कर लें, दोनों ही जो है वैलिड हैं। अब सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, जिस सरफेस एरिया का जो फार्मूला लिखेंगे वो कट हमारा इक्वेशन जैसे दे रखा था उस फार्म में लिखेंगे, इक्वेशन दे रखा था पैरामीट्रिक फार्म में तो पैरामीट्रिक फार्म में लिखेंगे। और ये भी ध्यान रहे कि पैरामीट्रिक फार्म में पैरामीटर थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, तो जैसा भी है वैसे लिखना है। हमारा थीटा तो थीटा की फार्म में यहाँ पर लिख रहे हैं डी वाई ओवर डी थीटा, अगर टी होता तो यहाँ पर डी टी आ जाता और यहाँ पर डी टी। और थीटा की जो लिमिट है वो बता चुके हैं 0 से पाई तक, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो सिर्फ ये वाला जो सरफेस बनेगा वो उस सरफेस एरिया ही आएगा, जबकि हमें पूरे का चाहिए तो 2 से यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, जो पेंट कराना चाहें तो उसके लिए। तो 2 पाई कांस्टेंट है, इनटू में है, तो इनको हमने बाहर कर दिया, और लिमिट थीटा की वैल्यू 0 से ले कर पाई तक, और पाई की वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, वाई की वैल्यू जो दे रखी थी हमें पीछे ए 1 माइनस का कॉस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है। स्क्वायर रूट डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू जो भी फाइंड की थी पीछे वो लिखेंगे, ए है 1 प्लस कॉस थीटा, उसका होल ऑफ स्क्वायर है यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू लिखी थी ए साइन थीटा, वो आप पीछे देख लीजिएगा, उसका होल ऑफ स्क्वायर यहाँ तक स्क्वायर रूट है, उसके बाद डी थीटा लिख दीजिए और ये थीटा की लिमिट है, ये हो जाएगा। ए कांस्टेंट है, यहाँ पर एक बाहर लिख देंगे, ये 2 × 2 = 4 पाई हो जाएगा, ए कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया। लिमिट 0 to π 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा का भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर साइन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा यहाँ पर बाहर लिखा है। ए स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पाई ए स्क्वायर रूट 0 to π 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से हम ए स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं और साथ में इसका होल ऑफ स्क्वायर को ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉस और साइन इन दोनों के इंटू का ट्वाइस यानी 2 × 1 × कॉस थीटा हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाहर हो गया था तो ओनली साइन स्क्वायर थीटा यहाँ था वो ही बचेगा, और ब्रैकेट्स कॉमन लिया था थीटा और डी थीटा बिल्कुल बाहर कर दें, रूट से बाहर कर दें। 4π ए बाहर चल रहा था इंटीग्रेशन के, 0 to π 1 माइनस कॉस थीटा और स्क्वायर रूट से ए बाहर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर देख रहे हैं 1 यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये वैल्यू, ये तो 1 ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, प्लस ये 2 cos थीटा, और इसके बाद यहाँ पर ये हटा दें स्क्वायर रूट ये थीटा। अब ये लास्ट टेप इस लाइन की इस पेज की 4π ए स्क्वायर 0 to π 1 माइनस कॉस थीटा, ए इसको यहाँ बाहर लेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट 1 ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस का 2 कॉस थीटा, और ये स्क्वायर रूट यहाँ पर हर डी थीटा ये देंगे, यहीं तक है स्क्वायर रूट, फिर डी थीटा लिखना है आपको। इन दोनों में से अब 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी चीज़ को वैसे ही नोट कर देंगे अगले पेज पर हम। 4π ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 0 to π 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट 2 बाहर जब ले लेंगे तो 1 प्लस का कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पर फिर हाफ एंगल में वैल्यू रखेंगे ताकि अनरूट से छुटकारा मिले, और ऐसी वैल्यू रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो इसको हाफ एंगल में रखेंगे तो इसको भी फिर हाफ एंगल में रखना चाहिए। पाई ए स्क्वायर लिमिट 0 to π कॉस की यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखें कि 1 से 1 कैंसिल हो, कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये वाली वैल्यू रखेंगे, और इस वाले ब्रैकेट में हमें कॉस की वैल्यू ऐसी रखना चाहिए कि 1 से 1 कैंसिल हो, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, और डी थीटा बाद में लिखा है हमने। 4π ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया 0 to π ब्रैकेट ओपन होगा, 1 माइनस 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
और ये टू, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगी ब्रैकेट ओपन करने पर, ये टू इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू स्क्वायर रूट यहीं तक है, उसके बाद नहीं है। और यहाँ पर डी थीटा लिख दीजिए, वन से वन ये कैंसिल हो चुका है। फोर पाई ए स्क्वायर स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, ये बचा है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये दो बार है टू तो एक बार बाहर निकालेंगे, कॉस का स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे कॉस थीटा बाई टू हुआ डी थीटा, टू इंटू टू फोर यहाँ से बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन के साइन से, फोर पाई ए स्क्वायर इंटू फोर लिमिट ज़ीरो टू पाई ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू आ गया। यहाँ पर अगर हम थीटा बाई टू कुछ कुछ नया वेरिएबल मान लें, लेट कर लेते हैं कि थीटा बाई टू जो है वो टी के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू टू इंटू टी हो जाएगी, और डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे टू इंटू डी टी हो जाएगी, टू कॉन्स्टेंट टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी हो गया। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी, पहले तो ये थीटा की लिमिट थी, अब थीटा बराबर जब ज़ीरो था तो टी कितना हो जाएगा, तो टी यहाँ से टी बाई टू है, यानी तो टी हो जाएगा थीटा बाई टू है तो ज़ीरो बाई टू यानी ज़ीरो ही हो जाएगा, और जब थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे तो टी की वैल्यू चूँकि थीटा बाई टू है तो ये पाई बाई टू हो जाएगी। तो हमारा जो सरफेस चल रहा था यानी कैपिटल एस के बराबर, तो एस इज इक्वल टू ये फोर इंटू फोर सिक्सटीन हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन लिमिट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट टी की अब आएगी नए वेरिएबल की जो कि ज़ीरो ज़ीरो से लेके पाई बाई टू तक होगी। और यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर इस थीटा बाई टू को टी बोला था, कॉस थीटा बाई टू या टी, और टी थीटा की वैल्यू आई थी टू टाइम्स डी टी, टू इंटू में कॉन्स्टेंट है बाहर लिख देंगे तो सिक्सटीन पाई ए स्क्वायर इंटू टू को बाहर ले लिया, लिमिट ज़ीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी डी टी, यहाँ पर साइन की पावर टू है कॉस की पावर वन है, तो यहाँ पर एक फार्मूला है ये हो कि अप्लाई कर देंगे अगले पेज पर, फिलहाल अभी हम इनका इंटू करके पीछे लिख देते हैं, ये 16 32 हो जाएगा, 32 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, 32 पाई ए स्क्वायर 32 पाई ए स्क्वायर लिमिट 0 टू पाई बाई टू, जैसे पहले बता चुके हैं कि साइन की पावर 2 है कॉस की पावर 1 है, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई बाई टू साइन टू द पावर एम थीटा साइन टू द एन इंटू कॉस पावर एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है गामा एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू होल अपन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू वाई टू, ये वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो एस की वैल्यू आ गई 32 पाई ए स्क्वायर चल रहा था पहले से, इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो एम की जगह पर जो है वो 2 है हमारा यहाँ पर, तो 2 प्लस 1 बाई टू हो जाएगा, एन की जगह पर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई टू हो जाएगा 2, ये पहले से फार्मूले में है, एम की जगह पर 2 एन की जगह पर 1 और फिर फार्मूले का 2 अपान में भी फार्मूले का 2 ये लिखने देंगे और सॉल्व कर देंगे, 2 से ये 16 कैंसिल कर 32 कैंसिल कर देंगे, 16 टाइम्स 16 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर गामा 3 बाई टू बचा ये 2 बाई टू हो जाएगा, और ये 5 टाइम्स अपान 5 बाई टू हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, और इसको गामा 3 बाई टू को ऐसे रहने दें और ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा गामा, और हम लोग जानते हैं 5 बाई टू में से एक कम करेंगे तो 3 बाई टू आएगा, और इस फार्मूले के लगा दें गामा अगर n लिखा हुआ है तो इसमें से अगर बाहर निकालते हैं तो इससे एक कम बाहर निकलता है और वही इसमें बचता भी है, तो 5 बाई टू से एक कम 3 बाई टू है ये बाहर निकलेगा और ये बचेगा, और इससे फ़ायदा ये मिला ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और 16 पाई ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और 2 का क्योंकि डबल अपान में है तो उसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 नीचे रहेगा, और गामा 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 0 होती है क्योंकि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर n होता है तो इसे n माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तब ऑफ इसकी और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए ये इनका इंटू करेंगे 32 पाई ए स्क्वायर, और गामा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है अपान में 3, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 32 अपान 3 पाई टाइम्स पाई ए स्क्वायर, कंप्लीट आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद्दामाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।